जी का बहुत बहुत स्वागत है कि कल शाम के वक्त 6 दिन के लंबे दिल्ली प्रवास के बाद वो रांची लौटे। जो जानकारी मिली कि वे अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाने भी गए थे, तो शीघ्र ही उनको स्वास्थ्य लाभ हो, इसके लिए हम लोग कामना करते हैं। लेकिन झारखंड में जो राजनीतिक स्वास्थ्य, वो स्वास्थ्य भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति से आगे बढ़े, इसके लिए सतत प्रयास होनी चाहिए। विगत 25 तारीख को एक खबर आई थी नेशनल मीडिया के चैनल से कि चुनाव आयोग ने शायद कुछ पत्र भेजा है राजभवन। अब चूंकि कल से तो राजपथ समाप्त हो गया है, वो कर्तव्य पथ हो चुका है, लेकिन राजभवन अभी भी है। तो उस राजभवन के लिए बहुत सारे दायित्व हैं, संवैधानिक कर्तव्य भी। हम लोगों ने पिछले दिनों उनसे 1 तारीख को जाकर इस बात की गुहार लगाई कि आपके पास यदि कोई कम्युनिकेशन आया हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो कृपया स्थिति को स्पष्ट करें। और यदि किसी भी तरह की कोई जिज्ञासाएं हैं, उससे भी लोगों को अवगत करवाएं। माननीय राज्यपाल महोदय बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों को सुनने के बाद उन्होंने ये उचित समझा ये बोलने के लिए कि मुझे अधिकतम 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं अपनी बात से चुनाव आयोग को अवगत करवा दूंगा। और आप संवाद माध्यमों को भी राजभवन से जो कम्युनिकेशन हुआ उसमें इस बात को कहा गया कि वेरी शॉर्टली आई विल कम्युनिकेट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके ठीक दूसरे दिन वो दिल्ली चले गए। हम लोगों ने सोचा कि माननीय राज्यपाल महोदय निश्चित तौर से दिल्ली इसी विषय के लिए गए होंगे, और जाने के बाद चुनाव आयोग को अपनी अनुशंसा भी भेजेंगे यदि कोई है। लेकिन 6 दिन दिल्ली में रहने के बाद और आज 7वां दिन, हम समझते हैं आज पूरा एक पखवाड़ा दिन है। एक पखवाड़े के बाद भी ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर
चुनाव आयोग का क्या मंतव्य है। जिस प्रकार से मिथ्याचार यहां पर हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार को स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, लोगों की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी करवाया गया और सरकार ने यह दिखा दिया सदन के अंदर कुछ माननीय विधायकों की अनुपस्थिति के बाद भी संख्या 48 था। हम शुरू से कह रहे थे कि हम 51 के स्ट्रेंथ वाले लोग हैं, 81 में, और विपक्ष वॉकआउट कर गया क्योंकि जो भ्रम उनके द्वारा फैलाई गई वो नाकामयाब हो गई। आज भी भ्रम की वही स्थिति बनी हुई है। अच्छा बुरा, सादा काला, यदि कोई भी चीज है तो उस चीज को लोगों के सामने रखना चाहिए। क्योंकि राजनीति जिस प्रकार परिस्थिति के साथ चलती है उसी तरह परसेप्शन के साथ भी चलती है। क्योंकि भाजपा जैसा ढोंगे लोगों का जो जमावड़ा है, कल हमने देखा उनका यहां पर चिंतन शिविर हो रहा है। चिंता जताए कि डेमोग्राफी बदल गई, तो इस डेमोग्राफी को बदलने का काम कौन किया? केवल डेमोग्राफी पिछले 8 साल में नहीं बदली, जो डोमेस्टिक जो हमारा इकोनॉमी था वो डोमेस्टिक इकोनॉमी ही बदल गया। वो 2-4 घरानों के हाथ में चला गया। स्टेशन बेचना, एयरपोर्ट बेचना, अब तो रेलवे की जमीन भी बिक जा रही है, यह भी फैसला ले लिया गया पिछले कैबिनेट। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बताना पड़ेगा ना कि डेमोग्राफी को बिगाड़ने के पीछे की सोच क्या है। गुड्डा के मोतिया में जो अडानी पावर प्लांट खुला जिससे बांग्लादेश को जाएगा बिजली, वहां का डेमोग्राफी किसने बदला? आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो आप सरना धन कोट की बात क्यों नहीं करते? आप उनकी आइडेंटिटी को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते? क्या किसी के आइडेंटिटी को समाप्त करके डेमोग्राफी बचाई जा सकती है?
इनके पाखंड के सामने हर कोई लज्जित। और मैं आज पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के इस विषैले मानसिकता के विरुद्ध माननीय राज्यपाल महोदय यदि स्थिति स्पष्ट कर दे तो हम इनसे लोकतांत्रिक तरीके से निपट लेंगे। मुख्यतः यही बात ही करनी थी। दूसरा, हम लोग अपने दल की ओर से, राज्यवासियों की ओर से ब्रिटेन की पूर्व महारानी क्वीन एलिजाबेथ टू की जो निधन हुई है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ कंट्री भी हैं, इसलिए हमारी संवेदनाएं ब्रिटेन के साथ है। और नए किंग चार्ल्स का भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। दादा निशिकांत दुबे ने नया नाम दिया आपकी पार्टी को, झारखंड मुस्लिम पार्टी। अब देखिए, जिसको मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव केवल तीन चीज हटा के लड़े, मुसलमान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान। ये तीन शब्द वो ना बोले और वो चुनाव लड़के दिखा। इसलिए निशिकांत मुसलमान बोलेगा, ये तो स्वाभाविक चीज है। क्योंकि इनको तो ये भी नहीं मालूम है ना कि इस देश की परंपरा क्या है, देश की बनावट क्या है। इसलिए ऐसे जो भाषा का प्रयोग होता है वो उसकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, उसके अलावा और कुछ। राज्यपाल से इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्या दिक्कत हो रही है? काम तो आप कर सकते हैं। और बीजेपी के नेताओं का एक तर्क है कि कोर्ट में अगर तारीख पड़ती है तो क्या न्यायालय के जज से आप कहने जाते हैं कि जल्द से जल्द फैसला सुना दिए? देखिए, माननीय राज्यपाल नाम न्यायाधिकरण है, माननीय राज्यपाल राज्य कैबिनेट के सलाह पर काम करते हैं और कुछ यदि सुझाव है तो वो देते हैं। इसलिए व्यक्ति का सवाल ना करें, इस मामले में, चुनाव आयोग के ही मामले में राज्यपाल को भी अपना मंतव्य चुनाव आयोग को भेजना पड़ेगा, क्योंकि न्यायाधिकरण वो हम तो केवल कह रहे हैं कि जो स्थिति है उसको स्पष्ट करके भेज दें, बात खत्म। दादा, सरकार का जो संकट है उसको दूर करने के लिए बहुमत साबित कर दी, मतलब ताकि वो लोगों की आशंकाओं को खत्म कर दे। अब जेएनएम की क्या आशंका है, राज्यपाल क्यों नहीं कर रहे हैं मांग पूरी? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि कल से तो राजपथ समाप्त हो गया, कर्तव्य पथ आ गया, लेकिन राजभवन तो टिका हुआ है ना, इसलिए थोड़ी बहुत शंकाएं रहती।
कि राजभवन रह गया और राजपथ हट गया, यही शंका है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जब तक टूटेगा नहीं तब तक लिफाफा खुलेगा? अब लिफाफा आया भी कि नहीं और वो खुलेगा भी कि नहीं तो नहीं मालूम। ये तो आप ही बोल चुके हैं जब राजभवन से निकले थे कि राज्यपाल ने स्वीकारा है कि उनके पास कम्युनिकेशन आया है और हम दो दिन में भेज देंगे। मेरी तो दिक्कत यही है हम लोगों की, जब आप दो दिन बोले तो छह दिन आप दिल्ली में रहे तो उसी समय बता देते कि पांच महीने बाद देंगे तो फिर मुलाकात कीजिएगा क्या? आप बुलाएंगे तो चल जाएंगे, जाने का ही इंतजार। चलिए धन्यवाद दादा। एक सवाल से उस पर भी आज भाजपा के प्रवक्ता ने जानकारी किया है, ये जो विधायक है दुमका के, उन्होंने जो पब्लिकली बयान दिया है कि हम दिल्ली जाते हैं अंडरगार्मेंट करने, अंडरगार्मेंट करने, कई तरह के सवाल और कटाक्ष किए हैं भाजपा के। देखिए जिस प्रकार से चीजों को पेश किया गया, आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी एक टी शर्ट पहने थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसका कीमत बता दिया कि जब मोदी जी सूट पहने थे तो उस समय तो तिलमिला गए थे। इसलिए हम पत्रकार साथियों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि किसी के भी व्यक्तिगत चीजों पर, वो कहां जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, वो पारिवारिक हिस्सा है मुख्यमंत्री जी, उनको लेकर आप लोगों के द्वारा, कई मीडिया के द्वारा कहा गया कि अमित शाह जी से मिल लिए। एक सांसद बोलते हैं बताइए तो कहां गए। तो कोई भी आदमी उलझुल की बातों को कितना देर टॉलरेट करेगा, इसलिए ये स्वाभाविक रिएक्शन।